एक ओंकार का उपदेश देने वाले और मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाने वाले गुरु नानक देव की याद में हर वर्ष प्रकाश पर्व मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व है मन की बुराइयों को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करने का। कार्तिक मास की पूर्णिमा को जन्मे गुरु नानक देव को याद करता प्रकाश पर्व समाज कल्याण का संदेश देता है। मान संतों, ऋषियों, मुनियों किस अद्भुत धरती पर गुरु नानक देव का अपना महत्व है। प्रथम सिख गुरु के रूप में उन्होंने एक औकार की परिकल्पना का समर्थन करते हुए पूरी मानवता को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया। गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित उनके उपदेश सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुरु नानक देव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सके। गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। प्राचीन काल से हमारा देश शांति, एकता और विश्व बंधुत्व पर जोर देता है। वसुदेव कुटुंबम का हमारा विचार विश्व की सद्भावना की नींव बन चुका है। इस विचार को आगे बढ़ाने में गुरु नानक देव जी की जैसी संतों की प्रेरणा का बड़ा योगदान है। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा कार्य गुरु नानक देव जी का मुख्य संदेश है। पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले गुरु नानक देव ने सिख धर्म के अनुयायियों के लिए 3 सिद्धांत बनाए, नाम जपो, कीरत करो और वंद जखो। ऐसे थे संत, दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक और कवि गुरु नानक देव, जिन्होंने समाज को एकता का संदेश दिया।